खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, जिन्होंने हमेशा अपने विवादित बयानों से अखबार की सुर्खियों में एक अलग जगह पाई है, जो कभी कांग्रेस को सपोर्ट करते दिखाई देते हैं तो कभी बीजेपी को, उन्होंने आज दिग्विजय सिंह को दी चुनौती। कहा कि आ जाएं भोपाल और लड़ लें भोपाल से चुनाव और हो जाए दो दो हाथ। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में कहा था कि वह हर चुनौतियों से लड़ने को तैयार है। इस पर बाबूलाल गौर ने कहा कि आ जाएं दिखाएं पराक्रम, भोपाल से जीत के बताएं, मालूम पड़ जाएगा। तब उनसे पूछा गया कि क्या यह चुनौती आपकी तरफ से दिग्विजय सिंह को है। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी तरफ से नहीं, यह तो पार्टी की वजह से व्यक्तिगत बयान, किसी से कुछ नहीं। मैं तो चुनौतियां स्वीकार करता हूँ। 1977 में जनता पार्टी की लहर में भी जीत के आया हूँ मैं, और मेरे नेता राहुल जी जहाँ से कहेंगे वहाँ से लड़ूंगा मैं। धन्यवाद कमलनाथ जी का कि उन्होंने मुझे टफ सीट से लड़ने का कहा। ये तो अच्छी बात कही ना, आ जाए भोपाल, हो जाए दो दो हाथ। उनका कहना है हर चुनौतियों से लड़ने को मैं तैयार। हाँ बिल्कुल ना, वहाँ पराक्रम दिखाए ना, भोपाल से जीत के बताए, मालूम पड़ जाए। सर, तो क्या ये चुनौती समझे आपकी तरफ से दिग्विजय सिंह को? नहीं, मेरी तरफ से पार्टी की, व्यक्तिगत मेरा किसी से कुछ नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बहुत गहरी हैं। यहाँ बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ चुके हैं, सुरेश पचौरी जी लड़ चुके हैं, और भी कई राष्ट्रीय नेता, फिल्म एक्टर लड़ चुके हैं, फिल्म एक्टर है। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय।